एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है सैटरडे, हैप्पी सैटरडे। और ये है हमारे यहाँ का मौसम, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है मौसम। नीचे हो रही है बारिश, आज 4 दिन से यूपी में बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बच्चों के स्कूल बंद होने के ऑर्डर थे कल भी और आज भी मेरे बच्चों के स्कूल बंद हैं, तो बच्चे हैं घर पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। मतलब कहते हैं ना, जब आप जल्दी फ्री हो जाते हैं फिर आप मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं चला रही थी मोबाइल और क्या। मौसम बहुत बारिश है तो कच कच, मतलब मुझे ऐसे बारिश अच्छा नहीं लगता, तो सबकी सीमा सा लगता है। और ये रहे रॉकी टायो जो लगे हुए हैं अपने फ़ोन में, आईपैड में, और अपना वो कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। एक्चुअली वो हॉर्लिक्स पी चुके हैं, तो हॉर्लिक्स पीने के बाद उनको चाहिए था कुछ स्नैक्स, तो मैंने उनको थोड़ा सा मिक्सचर दिया, कुछ चॉकलेट दिए। और रॉकी इतनी तेज है कि उसने सारा चॉकलेट खा लिया है और मिक्सचर वैसे ही पड़ा है। टायो मिक्सचर भी खा रहा है, चॉकलेट भी खा रहा है, उसका सही है, उसको दोनों चीज़ें अच्छी लगती है। बट रॉकी को मिक्सचर थोड़ा कम अच्छा लगता है, इसलिए वो मिक्सचर ज़्यादा नहीं खाती है। और मैंने बनाया है अपने लिए चाय, तो मेरी चाय भी रखी है वहाँ पर, चाय और बिस्किट। मैंने 2-4 बिस्किट एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि उनको अगर दिल करेगा तो वो खाएँगे। घर का भी हो गया है सारा काम, तिवारी जी निकल गए हैं, चूँकि आज सैटरडे तो तिवारी जी चले गए हैं छोटू के पास, तो सुबह मैंने उनको खाना वाना बना के दिया था। ये है मेरे बच्चों का पिगी बैंक, यानी कि चुकड़ी, हम इसको चुकड़ी बोलते हैं। मतलब बचपन में क्या, मैं तो अभी भी यही बोलती हूँ। तो मैं इसमें उनको पैसे डालने सिखाती हूँ कि अगर कहीं कॉइन कोई दे या कुछ भी पैसे दे, तो आप अपने पैसे इसमें डालो, क्योंकि उनके पैसे क्या होते हैं, मैं ले लेती हूँ, फिर मेरे से कहीं और पे खर्च हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें डालो आपके पैसे, फिर ये भर जाएगा, तो मैं इससे आपको कुछ ले के दूँगी। किचन है थोड़ा बहुत मैस, मैंने सुबह तिवारी जी को खाना बना के दिया था, तो उनको पैक करके लंच में दे दिया, तो वो खा लेंगे। और तो नारियल पानी वाला दे के गया था सुबह, पता नहीं आज टाइम से कैसे तो दे के चल गया, बट तिवारी जी नहीं है घर पे, तो मैंने पी लिया, मतलब उनका भी पी लिया और अपना भी पी लिया। सारी चीज़ें हैं क्लीन, सारी चीज़ क्लीन है, क्योंकि सुबह ही मैंने सारी चीज़ों को क्लीन किया है। और भगवान जी का भी रूम काफ़ी साफ सुथरा है, मैंने भगवान जी को भी सुबह क्लीन कर दिया, मस्त है। एक्चुअली मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने किचन में थोड़ा बहुत नहा के आने के बाद, पूजा करने के बाद, चाय वाय नमक वमक छुआ है, तो बिना मतलब का फिर से हाथ पैर धोना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। ये है तिवारी जी का कोप भवन, जो तिवारी जी नहीं है तो है खाली। और डॉकी का स्कूटर मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि जब रजनी क्लीन कर रही थी तो उसने कहा कि दीदी इसको कहाँ रखे, तो मैंने अपना ऊपर रख दो रजनी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ रॉकी टायो का होमवर्क। कि अब क्योंकि चाय पीने के बाद मैं कराऊँगी उनको होमवर्क। देखिए रॉकी ने सारा मिक्सचर बेड पे गिरा दिया थे, और बाकी जो बचा था वो उसने टायो को दे दिया, वहाँ भी गिरा दिया। यही तो रॉकी करती है। चलिए मैं करती हूँ थोड़ा सफाई और फिर देती हूँ चाय। अभी बज रहे हैं कितने, 2:45 बज रहा है, यानी कि 2:45, और हो गया है सारा काम। बच्चों ने खाना खा लिया, मैंने उनको नहला दिया, और अभी सोने के लिए सुला के मतलब आई हूँ। बाकी चीज़ें भी बहुत फैल गई थी, उन्होंने काफ़ी दिल से फैलाया था सारे चीज़ें, तो कुछ समेट के मैंने रख दिया है, कुछ मैं समेट दूँगी जब वो ट्यूशन जाएंगे तब। किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन है, चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर बिखरी सुबह से ही आज, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये है पीनट बटर, मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, मैं खाऊंगी पीनट बटर एंड ब्रेड। मुझे बहुत पसंद है पीनट बटर, तो जब भी हम ब्रेड लाते हैं तो मैं पीनट बटर और ब्रेड ही खाती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि अपने लिए खाना बनाने का वैसा कोई दिल नहीं करता। तो सुबह मैंने खाए थे 4 बिस्किट, तो काफ़ी था वो, तो सोचा था सा पीनट बटर और ब्रेड एक खा लेती हूँ ऐसे सिंपल सा, और चाय पी लूँगी। ये रहा मेरा चाय, इनफ हो जाएगा, ये चल रहा है। अभी मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि टायो को पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम बीत गया था, 11:30 से 1:45 तक मैंने उसको पढ़ाया, क्योंकि मंडे से एग्ज़ाम है तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी था। रॉकी को भी मैंने रिवीजन कराया, बट कोई फ़ायदा नहीं, इसका दिल करेगा तो लिखेगी, नहीं करेगा तो नहीं लिखेगी, बट टायो लिखेगा, इसलिए मैंने उसका अच्छे से रिवीजन करवा दिया।
और अब मैं चली रेस्ट करने। तो शाम को मैं आपको मिलूंगी जब मैं बच्चों को छोड़ने जाऊंगी ट्यूशन, तब तक के लिए वेट। एवरीवन, सभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मौसम कुछ इस तरह से खतरनाक वाला हुआ पड़ा है। अभी भी बारिश हो रही है और बारिश में कहा तो बहुत तेज बारिश अभी भी हो रही है। पता नहीं और कितने दिन बारिश होगी। पूरा मैस हो गया है बारिश की वजह से। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, 6:30 हो गया, उनको लेने जाना है। बट मैं 10 मिनट लेट करके जाऊंगी, उसकी मैम ने कहा है थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट करके आने को, क्योंकि रॉकी बहुत स्लो स्लो लिखती है तो उसको उसका रह जाता है। बेड वगैरह मैंने सेट किया, इतना ज़्यादा मिक्सचर चॉकलेट वगैरह उन्होंने गिराया था कि बस मैं क्या कहूँ। उनको छोड़ के आई, उसके बाद किया मैंने एडिटिंग, फिर ब्लॉग पोस्ट किया। ब्लॉग पोस्ट करना मैं भूल गई थी 2-3 दिन से। अचानक से मुझे याद आया कि अरे मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग ही नहीं डाला। तो फिर मैंने ब्लॉग पोस्ट किया। अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा सा इधर उधर देख रही हूँ, एक दो काम अगर नज़र आ जाए तो वो भी कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी उनको लेने के लिए। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और मैं सो गई थी। एक्चुअली मैं उठी थी सुबह 5:30 में ही, क्योंकि तिवारी जी 7 बजे निकल गए थे तो उनको खाना वगैरह देना था इसलिए। तो यही सब चल रहा है, हो गया है 6:40 आई थिंक हो गया। तो अब मैं जाती हूँ बच्चों को लेने, मैं उनको लेके आऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उनका बदमाशी।